अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में आप सबको बेहद खुश आमदीद कहती हूँ, और जो चैनल पर नए हैं उन सबका भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, उन सबका भी बेहद शुक्रिया। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नीचे दिए गए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। आज मैं किचन विद हूर में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ। जैसे मैं ईद की आमद है, बल्कि कल परसों ईद है, ठीक है, तो उसके लिए कि हम मेकअप वगैरह करते हैं, मेकअप करने से हमारी स्किन के ऊपर लाइन बन जाती है, ऐसे लगते हैं जैसे जो फाइन लाइन आई हुई है और मेकअप हट जाता है, ठीक है। उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका मेकअप देर पार रहेगा और जल्द ख़राब भी नहीं होगा। उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैं आपको ये बताती हूँ, ये मैंने अपने व्यूअर्स के लिए हल करके रखा हुआ है ताकि उनका ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। उसके लिए मुझे चाहिए ये देखिए आइस क्यूब, ठीक है, एक पीस ले लीजिएगा, कोई भी आपके पास पॉलिथीन बैग या शॉपर बैग हो, ठीक है, उसकी मदद से आपने 5 से 10 मिनट आपने फेस के ऊपर इसको ऐसे अप्लाई करना, ठीक है, हल्के हल्के। ये आपकी स्किन को, वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे मैं इसे बर्फ़ से इसी आइस के लिहाज से आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, आप अगर इससे फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन ऐसे जवान और खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। इसको आपने ऐसे ऐसे करना है, मसाज करना है, 5-10 मिनट आपने हल्के हाथ से मसाज कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि स्किन बहुत ज़्यादा छोड़ देना करना है, मेकअप से पहले आपने 5 मिनट ये इसका मसाज करना है। उसके बाद आपने लेनी मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, और अड़के गुलाब, उसका आपने पेस्ट बना लेना, वो फेस के ऊपर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कीजिएगा ऐसे, फेस के ऊपर अप्लाई करना है, 10 मिनट लगा रहे, ठीक है। उसके बाद आपने उसको फिर ठंडे पानी से के साथ आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद आप भी जो बेस लगाती हैं, जो मेकअप करती हैं, जिस तरीके का भी आप इस्तेमाल करती हैं ना, आपने वो करना है, ठीक है, कीजिएगा, और देखें आपका मेकअप देर पा रहेगा, खूबसूरत आपकी स्किन लगेगी, ठीक है, और ये मेकअप आपका ख़राब नहीं होगा, पसीना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, और बेस आपकी बिल्कुल फ्रेश रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो मेरे व्यूवर्स को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कोई बात आपको पूछना चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मिलती हैं एक अच्छे और कारामद वीडियो में, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।